नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव प्रकाश और सीएसडी टुडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई कार प्राइस लिस्ट मारुति सुजुकी अरेना के मॉडलों के लिए जारी कर दी गई है। अब यहां पर जो भी आप प्राइस देख पाएंगे तो वो दोस्तों आपको दिखाए जा रहे हैं पंजाब के। तो दोस्तों, पंजाब सीएसडी के अंतर्गत जो भी प्राइस है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाया गया है मॉडल का नाम, उसके बाद दिखाया गया है इंडेक्स नंबर, उसके बाद दिखाया गया है सीएसडी का एक्स शोरूम प्राइस, और सीएसडी के लिए जो आप प्राइस पे करते हैं यानी कि आरटीजीएस करते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से पे करते हैं वो अमाउंट आपको यहां पर दिखाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, यहां पर आपकी सुविधा के लिए कॉलम बनाया गया है, तो आप लोग देख पाएंगे कि उसमें यस या नो लिखा हुआ है। साथ ही यहां पर देख पाएंगे कि जो रो बनी हुई है इसमें सबसे पहले ओआरएस, जिसमें कि आर्मी के सिपाही, लैश नायक, नायक हवलदार और नायब सूबेदार इसमें सर्विंग हो या रिटायर हो लिख दिया गया है। साथ ही विडो एज एप्लीकेबल यानी जिसके लिए भी लागू है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप देख पाएंगे कि ओआरएस के लिए, एयरफोर्स के लिए और साथ में नेवी के लिए भी यहां पर रो दिया गया है, और जिसमें वो एलिजिबल है उसके सामने यस अथवा नो लिख दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, इसी तरह से जेसीओज की कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जेसीओ से संबंधित रैंक हैं जिनके लिए कि लागू किया गया है, वो यहाँ पर दोस्तों अलग से एक रो बनाई हुई हैं, वो आप देख पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोग लास्ट में जो देख रहे हैं इसमें ऑफिसर, जिसमें कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें कि सर्विंग और रिटायर्ड शामिल हैं। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इसमें वो ऑफिसर भी शामिल हैं जिनको कि ऑर्डनरी रैंक दिया जाता है, वह चाहे सर्विस के दौरान हो या सर्विस के बाद हो, वो लोग भी इसी में शामिल किए गए हैं। साथ ही दोस्तों, जो भी डिफेंस सिविलियन ऑफिसर हैं उनको भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन जो डिफेंस सिविलियन ऑफिसर हैं वह इसमें सिर्फ सर्विंग वाले ही माने जाएंगे, रिटायर वालों को कोई भी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है सीएसडी कैंटीन के थ्रू कार खरीदने की। साथ ही आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैं ऑर्नरी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ वो ऑर्नरी लेफ्टिनेंट या ऑर्नरी कप्तान या इनके इक्विवेलेंट रैंक वाले जो लोग हैं वही लोग मान्य हैं, बाकी के कोई भी ऑर्नरी वाले नहीं मान्य हैं। इसके बाद दोस्तों, अब आप आ जाइए यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरह से आप सभी जो भी मॉडल यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं उन सभी को मैं धीरे धीरे करके दिखाता हुआ चलूँगा। साथ ही इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर जा करके क्लिक करके आप लोग पूरी डिटेल्स को भली भांति पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे और समझ पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यदि वहां से संबंधित कोई भी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, कोटेशन प्राप्त करना चाहते हैं या अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं या इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप लोग डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मारुति सुजुकी अरेना के अथराइज जो डीलर हैं उनका नाम है रोहित कालोत्रा, जो कि दोस्तों जालंधर पंजाब के लिए डील करते हैं। साथ ही दोस्तों, उनका नंबर भी मैं आपको इसी में दिखा दूंगा, तो आप लोग उनको कॉल कर पाएंगे। साथ ही वेबसाइट पर भी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रखी है, जहाँ पर जा करके आप लोग वो पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग कार को निःशुल्क यानी कि फ्री में बुक कराना चाहते हैं एडवांस में, तो भी दोस्तों आप लोग इनसे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोग अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट विदाउट किसी चार्ज के भी आप लोग जारी करवा सकते हैं। इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों, जब भी आप लोग किसी डीलर से संपर्क करते हैं कि आपको चाहिएगा अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो दोस्तों वह आपसे 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का एडवांस में डिपॉजिट करवाता है, और दोस्तों तब आपको जारी होता है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपसे किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों यह जो ऑफर है वह लिमिटेड समय के लिए है, तो इसलिए आप लोग अपनी गाड़ी की बुकिंग कराने से पहले एक बार डीलर से ज़रूर कंफर्म कर ले। साथ ही दोस्तों, उनका नंबर भी दिया गया है जिस पर कि आप लोग कॉल अथवा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग गाड़ी से ख़रीदने संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं, कहने का मतलब उन्हें पे लेवल से संबंधित जानकारी चाहिए या फिर दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है पॉलिसी को लेकर के, वो लोग कुछ भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दोस्तों
मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रखी है। साथ ही दोस्तों आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहाँ पर लिंक दिए गए हैं विभिन्न चीज़ों की जो कि आपसे जुड़े हुए ही हैं, जिनको फॉलो करके आप लोग सही और शुद्ध इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी गाड़ी को खरीदते समय। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसलिए ये चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पर सभी को कवर करना है। यदि मैं हर एक पूरे मॉडल को डिस्क्राइब करने बैठ जाऊंगा तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर लग जाएगा, जिस वजह से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रनिंग में जल्दी जल्दी से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आप लोग फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, जिसका कि लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप लोग किसी भी ब्राउज़र में जा करके csdtoday.com टाइप करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और आपको यह समस्त जानकारियां वहां पर प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहां पर सिर्फ यही आपको प्राइस देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर भिन्न भिन्न स्टेट्स की आपको वहां पर कारों के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी और लगातार वहां पर आपको वीडियो भले ही ना मिले लेकिन दोस्तों वहां पर आपको प्राइस अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही वहां पर डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा दिया जाता है कि आप लोग किस डीलर से वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करेंगे और वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका लाभ उठाएंगे और ये जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारे बहुत से व्यूवर्स का यह कमेंट होता है जो कि गाड़ी से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें से वो लोग पूछते हैं कि जो मैंने LS ऑर्डर प्राप्त किया है उसके बाद यदि मेरी गाड़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या हमें पे करना होगा और पे करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी गाड़ी का बढ़ा हुआ प्राइस है उसके लिए दोस्तों आप डीलर को यदि पे कर देंगे तो वहाँ पर आपको जल्दी से और आसानी से आपका प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं कि वापस से आप CSD कैंटीन में जाएं और वहां पर चक्कर लगाएं तो ये भी आप कर सकते हैं। आप वापस से CSD कैंटीन में जाइए और बढ़ा हुआ पैसा वहां पर डिपॉजिट करने के बाद नया LS ऑर्डर जारी करा सकते हैं और वापस से जा कर के CSD का जो डीलर है उससे जा कर के दोबारा से आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अथराइज CSD डीलर जो कि जालंधर पंजाब के लिए है, मिस्टर रोहित कालोत्रा, जिनका कि यहाँ पर मैंने आपको मोबाइल नंबर भी दिखा दिया है, तो दोस्तों आप लोग इनको कॉल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अन्य सभी जो भी आपका अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट और कोटेशन संबंधी समस्या है उसको हल करा सकते हैं। तो मिलता हूँ एक ऐसी ही जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।